उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी रिसर्च फर्म द्वारा लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप पर सियासी पारा देश भर में हाई है। वहीं आज कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी शिमला में भी कांग्रेस ने SBI की मुख्य ब्रांच के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे पूरे मुल्क में जितने भी जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उस पे जो है कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मालूम ही है पिछले कुछ दिनों में ये जो अदानी समूह का जो शेयर मार्केट और शेयर का और जो म्यूचुअल फंड का घोटाला है आप लोगों के सामने आया है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो बात ये है कि जो हमारे सरकारी बैंक हैं और LIC है उसका हजारों करोड़ रुपया जो है इस समूह में इन्वेस्ट हुआ है, इस समूह को लोन दिया है और इसके शेयर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है पैसा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लगभग 80,000 करोड़ रुपया जो हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उन्होंने इस समूह को लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेशर में आके। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि एक बैंक जो लोन दे रहा है वही पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है उसी फर्म के अंदर, जो कि एक जांच का विषय है। और आम आदमी जो है जिसने पूरी उम्र पैसा थोड़ा थोड़ा जमा किया इन बैंकों में, आज उनका जो पैसा है वो खतरे में पड़ गया, ये बैंक खतरे में पड़ गए हैं और आज ये बैंक और ये इंश्योरेंस कंपनियां डूबने की कगार पे आ गई हैं। LIC का लगभग 36,500 करोड़ रुपया जो है इसके जो अदानी के शेयर्स हैं और म्यूचुअल फंड हैं उनमें इन्वेस्ट हुआ है। आज जो सरकारी क्षेत्र के बैंक जैसे SBI है आज तक जो कभी नुकसान पे नहीं आए, LIC कभी नुकसान पे नहीं आए, आज जो है ये बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं। पिछले एक हफ्ते में अदानी समूह के जो शेयर हैं और म्यूचुअल फंड हैं उसमें लगभग 50% की गिरावट आई है और उसका सीधा झटका इन जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं और LIC है उसको लगा है। और सबसे बड़ा झटका जिन लोगों की वजह से ये सरकारी क्षेत्र के बैंक और ये इंश्योरेंस कंपनियां चल रही हैं, जो आम आदमी हैं जिनका पैसा इन्वेस्ट है हुआ है उनको आज खतरे में आ गए हैं, और जो इस बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आज उनकी नौकरी जो है खतरे में आ गई है। हम मांग करते हैं कि जो केंद्र की संयुक्त समिति है लोकसभा की उसके द्वारा इसकी जांच की जाए। यह सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा जो है इसकी जांच की जाए और जो है इसमें जल्द जो है कोई ना कोई फैसला लिया जाए ताकि आम आदमी जिसका पैसा इन बैंकों में इन्वेस्ट है, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट है, वो बच जाए, प्लस जो एम्प्लॉइज इसमें काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी बच जाए। हम ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।